प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। पंडित जी, शीघ्र विवाह के लिए राशि के अनुसार भी उपाय हम आगे जानेंगे, लेकिन जिन विलेन का आपने जिक्र किया, राशि के हिसाब से अगर केवल उपाय करते हैं तो क्या वो उपाय सफल करेंगे, शादी जल्दी हो सकती है, या फिर ये आपके सूर्य मंगल शनि आप पे कितने भारी, आप इसको भी एक बार ज्योतिष करेंगे जी। अर्पिता, राशि के हिसाब से हम ये बताएंगे कि जो ग्रह आपके विवाह करवाने वाला ग्रह है आपकी कुंडली में, उसे कैसे मजबूत कर दिया जाए कि विवाह हो जाए। लेकिन साथ में अगर आप इंडिविजुअल अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर जान पाएंगे कि सूर्य मंगल या शनि की भूमिका क्या है, तो उसको तो आपको कंसीडर करना ही है। देखिए, मंगल को हम सबसे ज्यादा कंसीडर करते हैं, हम सब ने सुन रखा है कि कुंडली में मंगल दोष होता है, मामला बड़ा खराब होता है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्यतः ये ग्रह जीवन में दिक्कतें विवाह के मामले में पैदा करते हैं, और अगर आप अपनी राशि के अनुसार ये समझ लें कि कौन सा ग्रह आपका विवाह करवा सकता है, और जब आप उसको मजबूत कर लेते हैं छोटे छोटे उपायों से, तो आपका विवाह जल्दी होने की संभावना बन जाती है। चलिए अब राशि के अनुसार उपाय जान लेते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। बिल्कुल, अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपका विवाह होने में विलंब हो रहा है, सबसे पहले एक मंत्र नोट कर लें। मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का आप सुबह शाम 108 बार जप करिए। सफेद वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, वाइट कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करिए जब तक शादी ना हो जाए, और एक सफेद रंग के स्फटिक की माला धारण गले में अपने किए रखिएगा। ये तीन छोटी छोटी बातें हैं। ओम राम रामाय नमः का जप करेंगे, सफेद वस्त्रों का प्रयोग करेंगे, और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करेंगे। अगर ये तीन काम आप नियमित रूप से करें तो आपका विवाह जल्दी होने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से हम उपाय बता रहे हैं। अब अगली राशि है वृषभ राशि। जी, अगर वृषभ राशि की बात करें तो आपको हनुमान जी की मुख्यतः पूजा करनी है ताकि आपका विवाह जल्दी हो सके, और उसके लिए आप एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार डेली। नारंगी रंग के वस्त्रों का, नारंगी रंग का प्रयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह जल्दी हो, तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। बिल्कुल, और अब अगली राशि है मिथुन राशि। पंडित जी, बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के विलंब होने का एक सबसे बड़ा कारण है इनका कंफ्यूजन, किससे शादी करूं, ये कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी अगर आपकी राशि मिथुन है और विवाह में विलंब हो रहा है, तो एक मंत्र है ओम ऐं गुरुवे नमः। ओम ऐं गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है सुबह शाम 108 बार रोज। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग आप ज्यादा करें, पीले रंग की चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, और सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित कर दीजिएगा। रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होने की संभावना बन जाएगी।
अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है कर्क राशि। जी, कर्क राशि, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आप नियमित रूप से सुबह शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। नीले रंग का, ब्लू कलर का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा, और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष एक अपने गले में किसी भी सोमवार को, प्रदोष को या पूर्णिमा तिथि को धारण कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि कर्क वाले जल्दी विवाह करें या ना करें, लेकिन सोच समझ करके विवाह जरूर करें, क्योंकि कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। बिल्कुल, कर्क की बात हो गई, और अगली राशि है सिंह राशि। पंडित जी, जी, सिंह राशि अगर आपकी है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है, जो कि सामान्यता नहीं होता है, लेकिन अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो ओम छाया पुत्राय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। फिरोजी रंग का, टर्कवाइज कलर का प्रयोग आपको ज्यादा करना है, और एक रुद्राक्ष की माला, छोटे दाने की, कितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला आप अपने गले में जरूर धारण करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। तो अगर आप ये उपाय करें तो एक तो विवाह सही समय पर होगा, सही तरीके से होगा, और आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल, तो सिंह राशि वालों के लिए हमने बताया कि आपको क्या उपाय करना है। कन्या राशि की बारी है पंडित जी। आम तौर पर कन्या राशि वाले अर्पिता उसी स्वभाव के होते हैं जो सेलेक्ट करने में टाइम बहुत लगाते हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और विवाह में विलंब हो रहा है, छोटा सा उपाय करिए। एक बृहस्पति का मंत्र है, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करिएगा 108 बार। सुनहरे रंग का, गोल्डन कलर का ज्यादा प्रयोग करिएगा, और हल्दी की माला से मंत्र जप करिएगा। जो बृहस्पति का मंत्र आपको बताया है, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप आप हल्दी की माला से सुबह शाम करिएगा, आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर हो पाएगा। लेकिन साथ में आप इस बात का ध्यान जरूर देंगे कि विवाह सेलेक्ट करने में बेवजह का ईगो पैदा नहीं करेंगे और बेवजह का विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि आपके विवाह में विलंब ज्यादातर आपके अपने वजहों से, अपने कारणों से होता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि वालों के विघ्न कहाँ आ रहा है अगर वो शादी करना चाह रहे हैं, वो जरा समझ लेते हैं पंडित जी। जी, तुला राशि वालों के विवाह में विलंब इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादातर सिलेक्शन कर नहीं पाते, वो सोच नहीं पाते कि विवाह कहाँ करेंगे। और अगर तुला वालों ने बिना सोचे समझे जल्दी विवाह किया, दो विवाह होने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपकी राशि तुला है और आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो एक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, मंगल का मंत्र है, इस मंत्र का सुबह शाम आपको जप करना चाहिए 108 बार। लाल रंग का प्रयोग आप करते रहिए जब तक आपका विवाह ना हो जाए, उसके बाद इस रंग का प्रयोग करना कम कर दीजिएगा।
हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों में लाल फूल चढ़ाइएगा और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। ये उपाय अगर आप लंबे समय के लिए करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, वृश्चिक वालों का प्रेम अक्सर अर्पिता असफल होता है और इसी चक्कर में वो विवाह में विलंब कर ले जाते हैं या कर देते हैं। फिर भी अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो क्या करेंगे? ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार आपको जप करना है। सुबह भी 108 बार, शाम को भी 108 बार ओम शुं शुक्राय नमः का जप करिए। चमकदार सफेद रंग का प्रयोग करिए, ब्राइट व्हाइट कलर का इस्तेमाल करिए, अच्छा होगा। चांदी का एक कड़ा, या अगर आपको कड़ा पहनने में असुविधा होती है तो चांदी की एक चेन या चांदी का एक छल्ला भी आप अपने अंगूठे में पहन सकते हैं। चांदी का एक छल्ला अंगूठे में पहन लें, चांदी की चेन पहन लें या चांदी का एक कड़ा अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ऐसा करने से आपका मन मजबूत होगा, आप पिछली यादों से बाहर निकल पाएंगे और विवाह का निर्णय लेकर के सही समय पर विवाह कर पाएंगे। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि अर्पिता उसी श्रेणी में आती है जहां पर परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा होने की वजह से इनके विवाह में विलंब होता है और आम तौर पर मैरिटल लाइफ में भी इनके उठा पटक बहुत होती है। तो धनु राशि वालों का जल्दी विवाह हो और आगे विवाह अच्छा हो, ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। शादी जल्दी हो और अच्छी हो, इसके लिए आप रोज ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। हरे रंग का प्रयोग करिए, ग्रीन कलर का ज्यादा इस्तेमाल करिए और हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास आपको अर्पित करना चाहिए। अगर ये तीन काम आप थोड़े से लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा और सफल होगा। धनु वालों को एक बात मैं अलग से कहूंगा कि आप जब भी विवाह करिएगा हमेशा मंगल वाले हिस्से का ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए विवाह और करियर के मामलों में मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और वो राशि है मकर राशि। जी, वैसे मकर वालों का विवाह आमतौर पर समय से होता है लेकिन इनके विवाह में विलंब का ज्यादातर कारण ये होता है कि ये करियर में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही शनि वाली कैटेगरी, इसीलिए इनके विवाह में विलंब होता है। अगर आपकी राशि मकर है और आपके विवाह में बेवजह का विलंब हो रहा है तो क्या करेंगे? रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली। क्रीम रंग का, क्रीम कलर का प्रयोग, व्हाइट जो थोड़ा ब्राइट व्हाइट हो ऐसे रंग का प्रयोग करेंगे और एक रुद्राक्ष की माला आप गले में जरूर पहने। मकर वालों को वैवाहिक जीवन से कभी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए अगर आप रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें तो पहले तो आपका विवाह समय पर होगा और दूसरा उसके बाद वैवाहिक जीवन चलना भी आपके लिए आसान रहेगा।
बिल्कुल, यानी रुद्राक्ष की माला आप धारण करें वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुंभ राशि का रुख करते हैं पंडित जी। कुंभ राशि वाले बड़े फिलोसफिकल टाइप के होते हैं, बिना किसी कारण के विवाह में विलंब होता है कि ठीक है उस हिस्से पर ध्यान ही नहीं देते, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, इस चक्कर में विवाह में इनके विलंब हो जाता है। अगर आपकी राशि कुंभ है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार। नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिएगा। अगर आपकी राशि कुंभ है और आप ये उपाय करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह की संभावनाएं निश्चित रूप से बन पाएंगी और आपका विवाह जल्दी हो पाएगा। दूसरा, विवाह को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए और समय पे शादी करिए, क्योंकि अगर आप विवाह विलंब से करेंगे, आपके जीवन में वैसे भी चीजें विलंब से होती हैं, इसमें भी चीजें बेवजह विलंब से हो पाएंगी। बिल्कुल, और अब अगली राशि का रुख करते हैं और वो है आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की शादी बिल्कुल समय पे होती है, आमतौर पे शादीशुदा जीवन भी बैलेंस होता है और चीजों को लेके अप्रोच बहुत साफ होता है, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे कारण बन रहे हों या कुछ ऐसे कारण हों आपकी कुंडली में कि आपकी राशि मीन है फिर भी विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप रोज सुबह और रोज शाम ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए। धानी रंग का प्रयोग ज्यादा करिए, धानी मतलब लाइट ग्रीन, जो धान का रंग है लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना है। और एक रत्न आता है, बहुत सस्ता सा रत्न है, उसे कहते हैं ओनिक्स, एक ओनिक्स का लॉकेट अगर आप अपने गले में चांदी के लॉकेट में बनवा करके धारण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन वालों को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप जब भी शादी करें आप कोशिश करें कि शादी में कोई हड़बड़ी ना हो, समय के पहले अर्लीएस्ट शादी मत करिए, राइट टाइम का इंतजार करिए और सही समय आने पर विवाह करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल पंडित जी, सलमान खान का नाम याद आ जाता है जब लेट शादी की बात होती है, उनके ग्रह नक्षत्र बनते हैं कुछ शादी के? जो हमारे पास सलमान खान की कुंडली उपलब्ध है वो मेष लग्न की है और कुंभ राशि की है। मैंने बताया पहले कि कुंभ राशि वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो शादी को तरजीह नहीं देते हैं, उनको लगता है हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। तो जहां तक उनकी कुंडली के कॉम्बिनेशंस की बात है, उनकी कुंडली में विवाह के योग नहीं है, इसलिए विवाह होने की संभावना बहुत कमजोर है। विवाह जैसे रिश्ते हो सकते हैं, प्रेम प्रसंग हो सकता है, लंबा चल सकता है, लिव इन जैसा हो सकता है, लेकिन विवाह होने की संभावना उनकी कुंडली में बहुत कमजोर है, जिसको हम सामाजिक विवाह कहते हैं, वो हो पाना उनका बहुत मुश्किल। तो यानी सलमान के जो फैंस, उनको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि सलमान खान की शादी होने वाली है। पंडित जी आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजों के बारे में हमें जानकारी दी। तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।